क्या है गुरुकुल? ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता है। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्रों का सब जगह बहुत सम्मान होता था। राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको पता चले गुरुकुल में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार अथवा गुरु का वंश, परंतु यह सदियों से भारतवर्ष में शिक्षा संस्था के अर्थ में व्यवहृत होता रहा है। गुरुकुलों के इतिहास में भारत की शिक्षा व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान की रक्षा का इतिहास समाहित है। भारतीय संस्कृति के विकास में चार पुरुषार्थ, चार वर्णों और चार आश्रमों की मान्यताएं तो अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अन्योत्साहित तो थी ही, गुरुकुल भी उनकी सफलता में बहुत बड़े साधक थे। यज्ञ और संस्कारों द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सभी कुल वर्ण और समाज के बालक 6, 8 अथवा 11 वर्ष की अवस्थाओं में गुरुकुल में ले जाए जाते थे और गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु अपने मानस और बौद्धिक संस्कारों का पूर्ण करता हुआ उन्हें सभी शास्त्रों एवं उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देता तथा अंत में दीक्षा देकर उन्हें विवाह कर गृहस्थ आश्रम के विविध कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस भेजता। यह दीक्षित और समावर्तक स्नातक ही पूर्ण नागरिक होता और समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों का वहन करता हुआ त्रिवर्ग की प्राप्ति का उपाय करता। स्पष्ट है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में गुरुकुलों का महत्वपूर्ण योग था। गुरुकुल प्राय ब्राह्मण ग्रस्तों द्वारा गांवों अथवा नगरों के भीतर तथा बाहर दोनों स्थानों पर चलाए जाते थे। गृहस्थ विद्वान और कभी कभी वानप्रस्थ भी दूर दूर से शिक्षार्थियों को आकृष्ट करते और अपने परिवार में और अपने साथ रखकर अनेक वर्षों तक उन्हें शिक्षा देते। पुरस्कार स्वरूप ब्रह्मचारी बालक या तो अपनी सेवाएं गुरु और उसके परिवार को अर्पित करता या संपन्न होने की अवस्था में अर्थ शुल्क ही दे देता, परंतु ऐसा आर्थिक पुरस्कार और अन्य वस्तुओं वाले उपहार दीक्षा के बाद ही दक्षिणा स्वरूप दिए जाते और गुरु विद्यादान प्रारंभ करने के पूर्व न तो आगंतुक विद्यार्थियों से कुछ मांगता और न उनके बिना किसी विद्यार्थी को अपने द्वार से लौटाता। धनी और गरीब सभी योग्य विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलों के द्वार खुले रहते थे। उनके भीतर का जीवन सादा, श्रद्धापूर्ण, भक्तिपरक और त्यागमय होता था। शिष्य गुरु का अंतेवासी होकर उसके व्यक्तित्व और आचरण से सीखता। गुरु और शिष्य के आपसी व्यवहारों की एक संहिता होती और उसका पूर्णतः पालन किया जाता। गुरुकुलों में तब तक जाने हुए सभी प्रकार के शास्त्र और विज्ञान पढ़ाए जाते और शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेता, दीक्षा देता और समावर्तन संस्कार संपन्न कर उसे अपने परिवार को भेजता। शिष्यगण चलते समय अपनी शिक्षा के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते, किंतु गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त भी कर दिए जाते थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।